जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर के कहलगांव में एनटीपीसी की राख से आसपास के कई गांव परेशान। भागलपुर के कहलगांव स्थित एनटीपीसी का ऐश जानलेवा बनता जा रहा है। कहलगांव के कई गांव में इसका असर दिख रहा है। हवा में जहर की तरह घुलकर घर तक पहुंच रहा है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के ऐश डेक पूरी तरह से भर गया है। ऐश डेक में जमा कोयले की राख आसपास के गांव में फैल रही है। तेज हवा के साथ उड़कर ये राख लगभग 5 किलोमीटर दूर तक गाँव पहुँच जाती है, जिससे की ऐश डेक के समीप बसे एकचारी, मस्ताहा, कटोरिया सहित कई गाँव के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ रहा है। लोगों को आंख और टीवी जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है। साथ ही आसपास के खेतों में लगी फसलों पर भी इसका असर दिख रहा है। समय से पहले ही फसल पक जा रही है, उत्पादन भी कम हो रहा है। हवा में घुलकर ये जहर लोगों के रसोई घर तक पहुंच रहा है। लोग खाने को कपड़े और बोरे से ढक कर रखते हैं। घर से बाहर कपड़ा सुखाने पर कोयले की राख चिपक जाती है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एनटीपीसी के समीप कई गांव जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। छाए जाए छे खानों में, नहीं कपड़ा लत्ता रह दे छे, नहीं कुछ खानों पीना कुछ नहीं। अच्छा आरो की छाए उड़े छे, पूरा दिक्कत। पानी आवे छे, डूबे छे रोड पर। राख उड़े छे पूरा। हाँ, राख उड़े छे पूरा छाए। मतलब खाना पीना में तो परेशानी छा। अच्छा अच्छा लगता ही नहीं तो मैम जेते छा तो नहीं खराब होता है। पूरा परेशान। हाँ पूरा परेशान छी। परमिला देवी। कौन गांव ले कटोरी। हाँ परेशानी सामना करना पड़े छे। हवा चल रहा है तो पूरा यानी घर एकदम छाए से एकदम भथाए जाए। कपड़ा लत्ता सब में चल, खाना पीना सब। बीमारी भी बीमारी से ग्रस्त आदमी पूरे गांव क्षतिग्रस्त छे। कोई पहल होला एक रहल था। कोई पहल कब कब मतलब उड़े छे, कैसे उड़े छे? जब पछिया हवा चले लगे छे नी, पूरा उड़े लगे छे। मन आंख भीतर या जानो आनो भी बंद हो जाए छे। यहाँ पानी उनीर भी कोई गिरावट नहीं पूरा। आरो जब एकदम पानी आवे छे बरसात में तो हमरा नहीं बहुत दिक्कत। की नाम छे? बॉन ऑफ चढ़े पर। की नाम? महेश्वर यादव। इसी इलाके में जो आसपास के गांव है वहां पर ऐश जो है काफी उड़ रहा है, वहां पर लोग प्रभावित हैं। इससे क्या पहल किया जाएगा? हम लोगों ने कई एक बार एनटीपीसी को भी हिदायत किए हैं और बैठक में भी, पिछली बैठक में भी 19 तारीख को हुआ था और आज भी उसको हम लोग उठाए हैं उस चर्चा को। और उन लोगों को बोले हैं कि कहीं भी अगर राख जाता है तो उसको ढक कर करके ले जाइए पूर्ण रूपेण, क्योंकि वो लोग ढकता नहीं है। आधा गाड़ी में ढकता है और आधा गाड़ी ढकता नहीं है, इसलिए उस पर भी आज संज्ञान में उसको लिया गया है। आज लोग काफ़ी परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं आपके क्षेत्र के लोग। देखिए ये तो कई एक वर्षों से चला आ रहा है, राख तो बहुत जमा हो गया है। लेकिन अभी क्या है कि केंद्र सरकार का योजना है कि जहाँ भी 4 लेन इलाके में बन रहा है, यहाँ से 100-200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर, वो राख को शिफ्टिंग करना है, 4 लेन में नीचे डालना है, तब उस पर मिट्टी देना है। तो बहुत सा राख हट भी रहा है और अगर कहीं उड़ता है, बहुत तरह का हवा आ जाता है मान लीजिए, तो उसमें भी कहीं कहीं उड़ता है, उसमें छिड़काव के लिए हम लोगों ने कहा है तो वो लोग कुछ टैंकर उनका भी व्यवस्था किया है। उस पर हम लोग अभी पूरा कमान कसे हुए हैं, उसको पूरा ताकत के साथ उसको अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई उसको कम से कम जो पानी चाहिए उसको पूर्ण रूपेण पानी दो।
ये काफी गांव से प्रभावित हो रहे हैं फसल को। देखिए इसको लेकर के एनटीपीसी लगातार प्रयत्नशील है और जितने एनटीपीसी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बहुत सारे सीनियर पदाधिकारी हैं और एनटीपीसी के जैसे वरीय पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है जो भी इसके उपाय किए जाने हैं, एनवायरमेंटल जो नॉर्म्स है उसका अनुपालन किया जाना है, वो लोग कर रहे हैं। अगर कहीं अभी इसमें भी कुछ भी अगर त्रुटि होगी और वो संज्ञान में आएगा तो वो हम लोग उनके नॉलेज में डाल करके उसमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो कल हुआ है, तीन GM भी आए हुए थे, NTPC के GGM साहब खुद आए हुए थे। जो फोर लेन का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है, 400 करोड़ के लगभग हम लोगों ने भुगतान भी कर दिया है पिछले 4 महीने में, ये काफ़ी समय से लंबित था। और अब आप देखेंगे सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक पूरे स्ट्रेच में फोर लेन का काम तेज गति से चल रहा है। इसमें हर दिन सस्ता सस्ता बाजार, किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन, 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। 32 टन मक्का के साथ लूट कांड मामले में नौगछिया पुलिस ने ट्रक के साथ 4 लोगों को दबोचा। नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी निवासी किसान राजकुमार यादव और पंकज यादव के ट्रक सहित 32 टन मक्का लूट कांड मामले में मक्का सहित ट्रक की बरामदगी के बाद चालक सिवान जिले के दरोंदा मठिया निवासी राम पुकार गिरी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। दूसरी तरफ इस मामले में नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने 4 आरोपियों पूर्णिया जिले के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र के मालपुर निवासी मनीष कुमार, बाले मंडल खालसा निवासी अखिलेश मंडल और कदुआ ओपी निवासी निरंजन मंडल उर्फ नीरज को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी दी है। नौगछिया के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के पास से पुलिस ने लापता ट्रक चालक का सैमसंग मोबाइल और अन्य 2 अभियुक्तों से कुल 2 मोबाइल की बरामदगी की है, जबकि पुलिस ने 32 टन मक्का को भी बरामद कर लिया है और जाह्नवी चौक TOP के पास से ट्रक को भी बरामद कर लिया है। दर्ज किया गया और एक SIT गठन किया गया SDPO साहब के नेतृत्व में, उसमें अवकाश पर थे इंस्पेक्टर साहब, तो शिव प्रसाद रमाने जो प्रभारी थे, गोपालपुर थाना प्रभारी नीरज, प्रभात कुमार थाना अध्यक्ष गोल बच्चा और कमिश्नर सब इंस्पेक्टर चंदन और DIO की टीम, सभी को लगाया गया। हम पर्सनली इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, तो जो हम लोग पास क्लू मिला, मैनुअल हिंट भी हम लोग के पास मिला था, थाना पार्ट गोल बच्चा को मिला था, और फिर जो हम लोग जो वैज्ञानिक अनुसंधान था दोनों को देखते हुए बहुत कम समय में घटना 22 को हुआ है, 22 के रात में ही हम लोग को ये जो जितना भी लूटेड मकई था वो बरामद कर लिया गया। ये मोहनपुर ओपी पड़ता है पूर्णिया, जितना मकई था पूरा बरामद हम लोग कर लिए। जिसके यहाँ से बरामद हुआ था वो मनीष कुमार और बाले मंडल, ये दोनों भाई है, मालपुर का है, यहीं पे माल अनलोड हुआ था, लूटेड माल मकई मालपुर में, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर इसे पूछताछ करने में बड़ा गैंग का खुलासा हुआ है और उसमें से भी 2 लड़के और गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें से एक वो ड्राइवर है जो ड्राइवर लूट के बाद ट्रक को ये मालपुर में लाता है जहां माल अनलोड होता है, फिर वहां से वो ट्रक को ले जा करके जाह्नवी TOP पास छोड़ देता है। उसमें कल अभी ये है कि अब तक हम लोग जो उसका ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, उसे हम लोग तक नहीं बरामद कर पाए हैं। हम लोग कोशिश जारी है, उसे हम लोग बरामद हम लोग बहुत जल्द कर लेंगे। लेकिन इस केस में बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा इसमें गैंग है, गैंग को कई लड़के शामिल इसमें, और ये लोग वो अपराधी हैं जो भी बेल पर छूटे हुए हैं, सत्यापन के क्रम में घर से लगातार वो फरार पाए गए। वो लोग ही जो हम लोग उसका और मैनुअली और हम लोग वर्क भी कर रहे हैं, साथ ही जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर और पुख्ता करेंगे,
तो और भी जो हमारे कांड जो अब तक डिटेक्शन नहीं हुआ है उसमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है। अब तक जो बरामदगी है आप देख रहे हैं, इसमें से मोबाइल है, छोटा मोबाइल है जो ड्राइवर का मोबाइल था, और ये जो बड़ा मोबाइल है जो अपराधी है वो घटना में यूज किया है। इस तरह आप देखें तो ये घटना 22 तारीख को संज्ञान में आता है, पुलिस को 22 तारीख को FIR होती है, और ये 22 तारीख रात में ही कि ये बरामदगी, डिटेक्शन, गिरफ्तारियां हो जाती है। ये एक सराहनीय काम हुई है नौछिया पुलिस का, इसमें शामिल ये नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। मक्का ट्रक लूटकांड, GPS ने लुटेरे की मंशा को किया विफल। प्रेस वार्ता में नौगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस कांड में कई नए लड़के शामिल हैं। 4 गिरफ्तार लड़कों के अलावा इस कांड में कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो पिछले दिनों जमानत पर जेल से बाहर आए थे। ऐसे लड़कों के सत्यापन के बाद जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो सभी फरार थे। नौगछिया के SP ने कहा कि अपराधियों ने सातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ट्रक में लगे GPS ने लुटेरे की मंशा पर पानी फेर दिया। किसान GPS ट्रैकिंग के माध्यम से घटना के बाद से लगातार ट्रक की लोकेशन की जानकारी ले रहे थे। SP नौगछिया ने बताया कि 22 मई को जैसे ही मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया और चंद घंटों में ही पुलिस ने मक्का और ट्रक को बरामद करने में कामयाब रहे। नौगछिया SP ने कहा कि इस मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि ट्रक चालक के लापता होने के मामले में नौगछिया के SP ने कहा कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, घटना में चालक की संलिप्तता है या इसके लिए अनुसंधान किया जा रहा है, जल्द ही चालक को भी बरामद कर लिया जाएगा। छापेमारी दल का नेतृत्व नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार कर रहे थे, जबकि नौगछिया के प्रभारी थानाध्यक्ष श्री प्रसाद रमानी, गोपालपुर के थानाध्यक्ष नीरज कुमार, ढोलबज्जा के थानाध्यक्ष प्रभात कुमार, प्रशिक्षु अवर निरीक्षक चंदन कुमार, BIU टीम एवं सशस्त्र थाना BNP गार्ड शामिल थे। सॉरी, नौछिया में हुआ है, नौछिया थाना कांड संख्या 136-22। और ये सूचना कैसे मिली कि ये ट्रक, देखिए ट्रक में GPS लगा हुआ था जी, ट्रक में GPS लगा हुआ था, GPS के आधार पे जो वो राजकुमार यादव, पंकज यादव जो है जिनका ये मकई था, हाँ। अपना वो गाड़ी को लोकेट किए, लोकेट करने के बाद वो हमारे पास आए थे, उन्हें जानकारी थी, तत्क्षण भी मैंने उनको SDPO के पास भेज करके टीम गठन करके FIR दर्ज करवा करके अग्रतर करवाई तुरंत प्रारंभ की गई, और उसी का नतीजा रहा कि हम लोग बहुत कम समय में बरामद भी कर पाए और अरेस्टिंग भी किए, और बहुत जल्द जो इसमें और लोग शामिल हैं पहचान स्थापित हो चुकी है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर। चालक जिंदा है कि नहीं? हम होपफुल जिंदा है, होपफुल जिंदा है, और बरामद करने की कोशिश कर जी, अभी भी अभी तक तो मेरे सामने ना आया है, ना अपने घर वालों सामने आया है, और आसपास के एरिया में पूरा लापता भी है, हम लोग उसको देख रहे हैं क्या वो विक्टिम है या शामिल है, कहना मुश्किल है। नौगछिया में राजद की बैठक आज। नौगछिया के राष्ट्रीय राजमार्ग पर निलय भवन में राजद की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन आज बुधवार को किया जाएगा। जानकारी राजद के जिला अध्यक्ष अलक निरंजन पासवान ने दी है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालक को किया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निलंबित। नौगछिया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के संचालक और आदर्श मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक बलराम रजक को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अपने आदेश पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था बनाए जाने, छात्राओं के साथ एक के कर्मी द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने के बाद भी उसे संरक्षित करने के आरोपों के कारण उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जगदीशपुर का कार्यालय निर्धारित किया गया है, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले में प्रपत्र कौ को अलग से निर्गत करने की बात कही है। नवगछिया, सत्तू का किया गया वितरण। महिला जागृति शाखा द्वारा गर्मी को ध्यान में रखते हुए पुराने स्टेट बैंक के सामने बबीता वर्मा के घर के पास
करीबन 20 से 25 किलो सत्तू घोलकर आते जाते लोगों के बीच से सत्तू का वितरण किया गया। साथ ही नर सेवा नारायण सेवा को ध्यान में रखते हुए जल सेवा भी व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष सपना शर्मा, शाखा सचिव चित्रा टेबरीवाल, कंचन खेमका, वीना सराफ, बबीता वर्मा सहित कई अन्य की भागीदारी देखी गई। हंसु आईटी सेल और कौशल चिकित्सा प्रकोष्ठ के बने जिलाध्यक्ष। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रामचरित्र प्रसाद और चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सिंह ने 41 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस बाबत नौगछिया संगठन के मुख्य प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि सुधांशु कुमार को श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डॉक्टर कौशल कुमार राय को चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। मौके पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, बिहपुर विधानसभा के राज्य परिषद सदस्य बुलंदजी चौधरी, भवेश यादव, प्रिंस पटेल सहित कई अन्य ने बधाई दी है। नारायणपुर में 40 साल बाद 87 विस्थापितों को मिला सरकारी पर्चा। नारायणपुर प्रखंड मुख्यालय नारायणपुर में मंगलवार को रेलवे स्टेशन नारायणपुर के उत्तरी एवं दक्षिणी भूभाग में रह रहे 40 सालों बाद गंगा कटाव से विस्थापित हुए 87 परिवारों को अंचलाधिकारी अजय कुमार सरकार एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार ने संयुक्त रूप से नारायणपुर, साजादपुर, चक्रामी, मौजवा, दुदेला के 87 विस्थापितों को जमीन का सरकारी पर्चा दिया है। मालूम हो कि 1976 में गंगा कटाव से विस्थापित लोग अपने परिवार के साथ रेलवे की जमीन, जीएन बांध एवं 14 नंबर सड़क के किनारे अवैध तरीके से रहकर गुजर बसर कर रहे थे। दिल्ली में भंवरपुर के शिक्षाविद करील के पुस्तक का हुआ विमोचन। नारायणपुर प्रखंड के भंवरपुर गाँव के शिक्षाविद, कवि, लेखक एवं समाज सेवक दिवंगत प्रोफेसर बंके बिहारी झा करील द्वारा रचित अभिसारिका आत्मा से अनंत तक एवं हितोपदेश का भव्य विमोचन दिल्ली के हिंदी भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, शांति मंत्र एवं शंखनाद के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम में अयोध्या के महान संत सीताराम बल्लभ दास महाराज एवं विद्वज्जन डॉक्टर उमा पचौरी, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश अरोड़ा एवं डॉक्टर सुषमा सहरावत, प्रकाशक एवं पत्रकार मनमोहन शर्मा के साथ डॉक्टर दिनेश श्रीवास्तव सहित कई अन्य मौके पर मौजूद थे। हथियार के बल पर पश्चिम बंगाल के मछली जीरा व्यापारी से लूट। बेखौफ अपराधी ने हथियार के बल पर इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के गंगा चौक पर पश्चिम बंगाल के मछली जीरा व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित व्यवसायी फेलू हलधल ने इस्माइलपुर थाने में लिखित आवेदन देकर बताया कि वह मैजिक गाड़ी से मछली जीरा की राशि का वसूल कर आ रहे थे। दो बाइक पर सवार चार अपराधी ने ओवरटेक कर गाड़ी को रुकवा कर मेरे कनपट्टी में पिस्टल सटाकर 75,000 रुपए लूट लिए तथा मेरे सहयोगी का मोबाइल वगैरह भी ले लिया। इस्माइलपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। नारायणपुर वृद्ध शराबी गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बिरमन्ना चौक से मंगलवार की संध्या एलटी टीम एवं भवानीपुर पुलिस की संयुक्त छापेमारी अभियान के तहत ठेला चालक मथुरापुर निवासी वृद्ध रामविलास तांती को गिरफ्तार किया गया। उक्त जानकारी थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने देते हुए बताया कि स्वास्थ्य जांच के दौरान अल्कोहल की पुष्टि हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। बीहपुर में शराब के नशे में हंगामा कर रहे शराबी गिरफ्तार। बीहपुर के मिल्की में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक पियक्कड़ को गिरफ्तार कर लिया। बीहपुर थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार पियक्कड़ शिव कुमार है, जिसे मंगलवार को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। खड़ी टेम्पू में डाक पार्सल वाहन ने मारा ठोकर, 3 घायल। मंगलवार को इंदिरा मंच के समीप एनएच 31 पर खड़ी टेम्पू में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही डाक पार्सल भाव ने ठोकर मार दिया, जिस कारण टेम्पो में बैठे 3 यात्री घायल हो गए। वहीं घायलों में राहुल कुमार साकिन सुखाड़घाट जिले मधेपुरा, ग्रीस चंद्र झा साकिन भंवरपुर एवं मनोज कुमार साकिन चक्रामी नारायणपुर शामिल हैं। टेम्पो नारायणपुर की ओर जा रही थी। इस घटना की सूचना पर PSI आशुतोष कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए बिहपुर CSC भेज दिया। डाक पार्सल भवन को भी जब्त कर लिया गया है। शराब के नशे में गिरफ्तार युवकों को भेजा जेल। शराब के नशे में गिरफ्तार युवक कठेला निवासी निगम कुमार और केशव कुमार को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फेसबुक पर हथियार प्रदर्शन करते वायरल तस्वीर मामले में युवक गिरफ्तार। फेसबुक पर हथियार प्रदर्शन करते वक्त तस्वीर वायरल मामले में आरोपित कठेला निवासी कन्हैया कुमार को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज